Rahul. I'm going to stand here. Yes. He's the creator. I'm not going to say anything. You have to say... Yes, I'll look and nod very carefully. Yes. जी राहुल पुरी जो हैं ये डिस्टिंग्विश्ड के एकेडमिक हेड हैं मुख्तार आर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हम दोनों साहिल वैद शशांक खैतान हम दोनों डिस्टिंग्विश्ड के एलुमनाइज हैं जब इन्होंने हमें फ़ोन किया द आइडिया ऑफ द डिस्कशन टुडे वाज कि हम सब इस इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं हैं हम बाहर के शहरों से आए मुंबई से मुंबई के बाहर से आए हैं और कैसे हमने कोशिश करके एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है इस इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की है तो आई थिंक उस पर ये डिस्कशन था बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते आप ये कर सकते हैं आपको ये करना पड़ेगा इंडस्ट्री में ब्रेक इन करने के लिए तो आई थिंक उन्हीं कुछ टॉपिक्स पर हम चर्चा कर रहे थे और अपनी पर्स्पेक्टिव दे रहे थे हम सबकी जर्नीज अलग रही हैं और हम अपनी अपनी जर्नीज के थ्रू जितना भी हो सके एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहे थे मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आज मुझे भी बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव्स मिले सबकी जर्नीज अलग होती हैं हमारी भी जर्नी सबकी अलग रही हैं और वहाँ जितने लोग बैठे हुए थे उनको एक इनसाइट देने की कोशिश कर रहे थे कि सीखने से लेकर एप्लीकेशन तक कौन सी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो या आप जो एक प्रीकंसीव्ड नोशन लेकर आते हो कि हम जाएंगे और दुनिया बदल देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे क्या ऐसा सोचना सही है या गलत है तो डिस्कशन में हमने यही सब कवर किया ओके सर आप क्या कहना चाहेंगे आई वुड लाइक टू थैंक हिंदी में बात करूँगा मैं करूँगा बात हिंदी में आप फिक्र मत करो बट पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सब हमारी जो एलुमिना आई है हमको सपोर्ट किया है ये पैनल रखने के लिए और पैनल का यही मतलब है जो शशांक ने बोला है कि जो सीख हमारी हुई है एजुकेशन में वो अगर हम थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ जो शायद उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली फिल्म्स को जाने के लिए तो सबको नहीं होता है पर हमारा यही होप है कि हम सबको अगर वो सीख सबको दे सकते हैं सबको हम बात कर सकते हैं कि एजुकेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और जब वो एजुकेशन मिलता है तो आप फिर इंडस्ट्री में जाके आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और एक स्टैंडर्ड जो होता है जो आप अपना एक करियर बना सकते हैं वो एफर्ट से ही होता है वो जो लोग बोलते हैं टैलेंट एक चीज़ होती है और टैलेंट होना ज़रूरी है बट आई थिंक उससे ज़्यादा हार्डवर्क कोशिश एंड परसिवियरेंस ये तीन चीज़ें हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है सबसे पहले तो सर आपकी हिंदी की जो इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले 12 सालों में उसके लिए तालियां जी मुझे नहीं लगता ऐसा कोई फ़र्क है आई थिंक जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता है टेक्निक्स इवॉल्व होती हैं स्टोरी टेलिंग इवॉल्व होती है ज़माना बदल रहा है लोगों के अटेंशन स्पैन्स चेंज हो रहे हैं एक ज़माने में 3 घंटे की फिल्म भी लंबी नहीं लगती थी आज 2 घंटे की फिल्म में भी लोग कंप्लेन करने लगते हैं कि यार बहुत लंबी पिक्चर है तो आई थिंक ये सब छोटी बहुत चेंजेस हैं आई डोंट थिंक सो बेसिक ऑफ स्टोरी टेलिंग कभी चेंज हो सकती है बिकॉज स्टोरी टेलिंग का एक ही एजेंडा होता है कि आप कैसे किसी को एक फिक्शनल एनवायरनमेंट में ग्रिप करके रख सकें तो आई थिंक उसके तरीके बदलते रहते हैं आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसने एक नया डायमेंशन क्रिएट कर दिया है मुझे याद है जब हम लोग सब डिस्टिंग्विश्ड में थे तब 12 साल पहले की बात है 10 साल पहले की बात है ये कॉन्वर्जेशन हो रहा था कि ये मोबाइल फिल्म्स में क्या होने वाला है हमने भी बहुत चर्चाएं की हैं हमने बहुत डिस्कशन किया है पर आज नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन और ये जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं उन्होंने एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है आज हम सबको पता चलने लगा है कि जो हमारी वो कॉन्सेप्ट फिल्में होने वाली थी वो किस दिशा में जा सकती है उसको क्या डायरेक्शन मिल सकता है इंडियन शोज़ इतना सक्सेसफुल हो रहा है इन मीडियम्स पे तो एक नया फैसेट खुल गया है आज मैं खुद हमने हमारी कंपनी की तरफ से राइटर्स हायर किए हैं जो डिजिटल स्पेस पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज वी ऑल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट तो मुझे लग रहा है कि स्टोरी टेलिंग का जो बेसिक है वो कभी नहीं चेंज होगा पर जो तरीका है आप उसको एग्जीक्यूट करने का वो हमेशा बदलते रहने वाला है क्योंकि लोगों के डिमांड चेंज होंगे हम जो कॉलेजेस में जाया करते थे आज कॉलेजेस वैसे नहीं दिखते आज कॉलेजेस अलग होते थे जब मैं स्कूल गया था उस स्कूल में
पंखा कभी कभी चलता था, आज जिस स्कूल में हम गए हैं वहाँ पर सब एयर कंडीशनर्स होते हैं। तो ज़माना बदल रहा है, उसके साथ साथ फिल्म टेक्निक्स बदलने वाली हैं, उसके साथ साथ लोगों का नज़रिया बदलने वाला है। पर जो मुझे लगता है एक बेसिक ऑफ स्टोरी टेलिंग होता है कि यू हैव टू एनथ्रॉल एन ऑडियंस, आपको उन्हें खुशी देनी है ताकि वो सिनेमा घर से बाहर निकलें, आई थिंक वो एक्सपीरियंस कभी नहीं बदलता। जी डायरेक्ट का पता नहीं, पर अभी मैं एक डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने एक राइटर हायर किया है जिसके साथ हम एक नया शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका कोई प्लेटफॉर्म अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, अभी हम उसे डेवलप ही कर रहे हैं। कोशिश मेरी भी है, जब मैं इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट देखता हूँ, सेक्रेट गेम्स हो, फौदा हो, कितनी ऐसी अमेजिंग शोज़ हैं, तो बहुत मन करता है कि मैं भी उसका एक ज़रिया बनूँ, उसका एक हिस्सा बनूँ। तो कोशिश है, आप देखिए कितना सक्सेसफुल होगा। जी वरुण इज़ डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, अभी मैं वो फिल्म लिख रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ। मेरे ड्रीम लिस्ट में बहुत सारी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स हैं उसमें, जानवी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द पीपल आई वुड लाइक टू वर्क विथ इन द फिल्म। पर इट विल बी अनफेयर फॉर मी टू से कि शी इज़ ऑन बोर्ड, बिकॉज उन्होंने अभी तक स्क्रिप्ट सुनी नहीं है, पार्ट सुना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है वो मुझे रिजेक्ट कर दे, क्योंकि अब धड़क भी इतनी हिट हो गई है, वो स्टार बन गई है, तो मैं ऐसा ग्रांटेड नहीं ले सकता उनको कि जानवी हाँ बोल देगी। तो मैं चाहूँगा कि मैं वो स्क्रिप्ट पहले उन्हें अच्छी तरह पिच करूँ, उन्हें अपना किरदार पसंद आए, और आई एम श्योर जितना एक्साइटेड मैं हूँ कहीं ना कहीं वो भी ज़रूर होगी। हम साथ में काम करने हमें बड़ा मज़ा आया था, पर इट विल बी अनफेयर टू से कि शी इज़ ऑलरेडी अ पार्ट, बिकॉज आई हैव नॉट गिवन हर अ चांस टू हियर द स्क्रिप्ट येट। तो मुझे आई एम श्योर कि जब वो स्क्रिप्ट पढ़ेंगी, अगर उन्हें लगा कि देर इज इनफ मेरिट इन इट, शी विल बी डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द फिल्म। मैं आपको अभी स्टोरी बता देता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं, पिक्चर बनाते हैं क्यों नहीं। इट्स एन एक्शन एंटरटेनर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा फ्रेंचाइज क्रिएट कर सकें, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकें जो कुछ नया कमाल क्रिएट करें। बट इट्स टू अर्ली टू टॉक अभी, बिकॉज यू नो मेरा फुल फ्लेज्ड स्क्रीन प्ले नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या बातें करूँ उसकी। पर डेफिनेटली इट्स समथिंग विच इज़ न्यू फॉर धर्मा, न्यू फॉर मी, न्यू फॉर वरुण, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। थैंक यू गाइस। चलो।